वहीं विजयादशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर पटना के गांधी मैदान में आज रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक गेट पर 50-50 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक के पुलिसकर्मी तैनात हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ कई मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4:30 बजे दिन में गांधी मैदान पहुंचेंगे। डाक बंगला चौराहा, एग्जीबिशन रोड, अशोक राजपथ, कारगिल चौराहा गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था की गई है। हम आपको दिखाएंगे कि बाहर में सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है। देखिए, ये गांधी मैदान के सराउंडिंग है, चारों तरफ है। तो अब आप देखिए, आप इस तरफ आप 2 बजे दिन के बाद गाड़ी लेकर नहीं आ सकते। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखिए बैरिकेडिंग बनाया गया है। यहाँ तक गाड़ियों का प्रतिबंध है। यहाँ के बाद गाड़ी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर गाड़ियाँ अंदर यहाँ नहीं जाएंगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा। इसी तरीके से गांधी मैदान के बगल में, गांधी मैदान के सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और आप इधर आइए, ये मौर्या होटल के तरफ से तो आप डाकमंगला के तरफ गाड़ी आपको रोक दिया जाएगा। डाकमंगला से आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं और आपको पैदल आना पड़ेगा। ये गांधी मैदान का, ये गांधी मैदान है, ये गांधी मैदान है, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जो तैयारी है वो यही है कि हर गेट पर कह सकते हैं कि आपकी जाँच मेटल डिटेक्टर से होगी। तैयारी पूरी है, हर गेट पर जाँच मेटल डिटेक्टर से होगी और पूरे इंतजाम किए गए हैं। कह सकते हैं कि गांधी मैदान के अंदर बाहर ये पूरा गेट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। यहाँ देखिए, पुलिस फोर्स के जो जवान हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और तैयारियाँ पूरी हैं। तो गांधी मैदान के आसपास आप किसी भी परिस्थिति में फोर व्हीलर गाड़ियाँ लेकर नहीं आ सकते हैं, आपको पैदल जाना पड़ेगा और आपको पैदल ही आना पड़ेगा। गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था अलग कर दी गई है। तो बिल्कुल लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी क्लोज किया। देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, वो देखिए वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, देखिए हर गतिविधि पर नजर है, एक एक गतिविधि पर लोगों की तीसरी आंख की नजर है। ये सीसीटीवी कैमरे को आप देख लीजिए। तो गांधी मैदान के बाहर आज ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बदली रहेगी। आप बाइक, फोर व्हीलर, किसी तरह की गाड़ी लेकर नहीं आ सकते रावण में देखने। आपको गाड़ियों की जो पार्किंग वहां करनी पड़ेगी और आप आए आराम से देखें, आराम से शांतिपूर्वक अपने घर की ओर जाएं। तो सुरक्षा पूरी है, ट्रैफिक की व्यवस्था बदल दी गई है आज। तो फिलहाल गांधी मैदान में रावण मत कुल के तैयारियां पूरी कर ली गई है। सहयोगी कन्हैया के साथ मरगुबालम, कशिश न्यूज, पटना।